तो भाव एक चीज जो कि बहुत इंपॉर्टेंट, जो शायद सब जानना चाहेंगे, बिकॉज पेशावर जलमी में अब बाबर आजम जो है वो एज कैप्टन उन्होंने ज्वाइन इन किया है, बाबर की कैप्टेंसी के अंडर खेलना वहां कैसा लग रहा है, क्या डिफरेंस लग रहा है? देखिए बाबर के अंडर खेलना, तो देखिए एक तो पहली बात यह कि वो पाकिस्तान टीम का कप्तान है और ऑब्वियसली उसके अंडर खेलने से अगर आप इसको इस तरीके से देखें कि दिस इज ऑलवेज एन एडवांटेज कि पाकिस्तान टीम का कप्तान आपकी टीम का कप्तान हो, आपकी फ्रेंचाइज टीम का कप्तान हो, तो इट्स ऑलवेज यू आर ऑलवेज इन अ चांस कि जिधर आप उसको ये दिखा सकते हैं कि आपकी कैपेबिलिटी क्या है। और ये सारे प्लेयर्स के पास इस चीज़ का एडवांटेज है कि वो जो बाबर के साथ खेल रहे हैं डिफरेंट सिचुएशंस में, प्रेशर सिचुएशंस में वो कैसे परफॉर्म करते हैं, ऑब्वियसली वो भी इन चीज़ों को नोट कर रहा होगा और ऑब्वियसली इतनी देर से वो कैप्टनसी कर रहा है तो उसको इस चीज़ का एक्सपीरियंस भी है, तो इट्स गुड। और मेरा ख्याल है कि पेशावर को बाबर जैसे प्लेयर की ज़रूरत थी, हम लोग लैक कर रहे थे ऑब्वियसली, जिस तरह कामी भाई चले गए थे ओपनिंग में, उन्होंने हमारे लिए बहुत सारा पिछले 7 सालों में इतना परफॉर्म किया, सो यू नीड समबडी के जो आए और वो उधर से कंटिन्यू करे, तो आई थिंक बाबर वॉज द राइट चॉइस। और जिस तरीके से उसने कल खेला और स्टार्ट किया और ऑब्वियसली उसका डेब्यू था और 50 किया उसने और ही नोज हिज रोल के उसको किस रोल के साथ खेलना था, टॉम ऑन द अदर एंड जिस तरीके से खेल रहे थे दे नो द विकेट वाज लर्नड इजी, तो मेरा ख्याल है कि उसका होना पेशावर जलमी के लिए बहुत ज्यादा खुशाइंद है। ऑलराइट, मैच की अपडेट इस वक्त ये है कि क्वेटा ग्लैडिएटर्स हैव लॉस्ट देयर फर्स्ट विकेट, मार्टिन गप्टिल 7 रन्स बनाने के बाद आउट हुए हैं, कियरन पोलार्ड ने उनका कैच लिया, समीन गुल थे बॉलर और स्कोर इस वक्त हो चुका है 10 रन, एक खिलाड़ी आउट और हम जो एक्सपेक्ट कर रहे थे फायरवर्क्स एट द स्टार्ट ऑफ द इनिंग फ्रॉम मार्टिन गप्टिल वो तो बहरहाल नहीं हुई, बट स्टिल जो हमने बात की थी क्वेटा ग्लैडिएटर्स हैज गॉट अ लॉन्ग बैटिंग लाइनअप, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। वहाब ये भी हम पूछेंगे आपसे जरूर कि कप्तानी ना करने का कुछ काफ़ी अरसे बाद आप क्वेटा पेशावर जलमी की सॉरी कप्तानी नहीं कर रहे थे, आसान होता है जब कप्तानी का प्रेशर जो है आपके शोल्डर से उतर जाए एंड यू आर प्लेइंग एज अ प्लेयर? देखिए मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान का कप्तान किसी भी टीम में जाएगा तो वही कप्तान होगा और एज अ प्लेयर ये आप लोग आपके लिए पहले समझ लेना बहुत ज़रूरी है। सेकेंडली देखिए आपका रोल एज अ टीम में क्या है आपको वो देखना पड़ता है कि आप एज अ बॉलर है, आप एज अ बैट्समैन है, आप एज एन ऑलराउंडर है, तो मेरा ख्याल है आपकी परफॉर्मेंसेज जो है वो ज़्यादा काउंट करती है। मेरा नहीं ख्याल कि पहले 5 साल मैंने जो है वो डैरन सैमी और शाहिद भाई की कैप्टनसी में खेला और उसके बाद 2 साल मुझे अपॉर्चुनिटी मिली है, उसके बाद अब बाबर को अपॉर्चुनिटी मिली है, तो एज अ प्लेयर मेरा नहीं ख्याल कि आप लोगों को इतना ज़्यादा इस चीज़ से कोई फर्क पड़ना चाहिए इफ़ यू वांट टू प्ले एंड इफ़ यू वांट टू परफॉर्म इन द ग्राउंड कि जी मैं कप्तान था मुझे हटा दिया और उसको ले आए और यू नो दीज काइंड ऑफ एक्सक्यूजेज, ऐसी चीज़ों को सोच के यू नो आप अपना एज अ प्लेयर आप अपना नुकसान करते हैं, किसी और का नुकसान नहीं होता इसमें। सो मैं बल्कि ज़्यादा इंजॉय कर रहा हूँ कि अब थोड़ा सा प्रेशर ऑफ है, ज़्यादा चीज़ों का सोचना नहीं पड़ रहा, अपनी बॉलिंग पर ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट कर रहा हूँ और बाबर को अगर किसी चीज़ में कोई हेल्प चाहिए होती है तो दैट इज़ गुड और कि उसको मैं बता सकता हूँ कि यार इस तरह देख लो और ऐसे कर लो, एंड ऑब्वियसली आई थिंक इस चीज़ से मुझे फ़ायदा है कि अभी मैं एज ए कैप्टन उसके अंडर खेल रहा हूँ तो मुझे काफ़ी चीज़ें जो है ना मेरा जो माइंड है वो अब सिर्फ एक तरफ ज़्यादा डाइवर्टेड है और वो बॉलिंग की तरफ। बिल्कुल मिसबा, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ वहाब ने अभी जो कही है वो आप जब पाकिस्तान टीम के कप्तान के अंडर खेल रहे होते हैं, एक लीग में भी अगर आप पाकिस्तान टीम के कप्तान के अंडर खेल रहे हैं विच मीन्स आप ज़्यादा क्लोज होते हैं, वो आपको ज़्यादा क्लोजली रीड कर सकते हैं, वो उस किस सिचुएशन में किस तरह आपने परफॉर्म किया, वो जब आप इस्लामाबाद यूनाइटेड से कनेक्टेड थे या उससे पहले जब फैसलाबाद की टीम के साथ खेल रहे थे और कैप्टन भी कर रहे थे पाकिस्तान टीम को, तो हमें यूजुअली ज़्यादा प्लेयर्स उस साइड से आते हुए दिखते थे, क्या यही एक मेजर रीज़न और एक कॉन्फिडेंस होता है जो कप्तान जिनके साथ करीबी खेल रहा होता है उनके ऊपर ज़्यादा कॉन्फिडेंस शो कर सकता है? ये लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जब मैं सुई नॉर्दर्न में भी था या फैसला, तो वो कोई ऐसी टीमें नहीं थी कि जो डोमेस्टिक में आखिरी नंबर पे आ रही हैं या कुछ अच्छा नहीं कर रही, 4-4 दफ़ा लगातार ट्रॉफी जीती हुई टीमें थी, वन डेज में भी हमारी परफॉर्मेंस जिस तरह होती थी, तो वो वजह यही होती थी कि अच्छे प्लेयर्स थे उसमें और परफॉर्मर थे और क्रंच सिचुएशंस में उनको पता था मैच कैसे जीतने हैं, तभी वो टीम की ऐसी परफॉर्मेंस होती थी। अदरवाइज़ मेरा नहीं ख्याल कि चाहे वो लाला हों, मैं हूँ या बाबर, कोई भी कप्तानी कर रहा हो, वो चाहे आपके अब कोई अपोजिशन में भी कोई प्लेयर ऐसा खेल रहा हो तो आप उसको आपको प्रॉपरली इन द फील्ड पता चल रहा होता था
कौन किस बंदे का टेम्परमेंट क्या है, उसकी एबिलिटी कितनी है, कहाँ पे वो पाकिस्तान टीम के लिए आके परफॉर्मेंस कर सकता है। ये ज़रूरी नहीं कि सिर्फ अपनी टीम के प्लेयर्स ही आपको नज़र आ रहे हो। तो मुझे लगता है कि स्पेशली जो भी अपोजिशन हो या अपनी टीम हो, आपके साथ जितने भी प्लेयर्स विद यू और अगेंस्ट यू खेल रहे होते हैं, आप बड़े अच्छे तरीके से उनको देख के असेस कर सकते हैं इन दो सिचुएशंस। और जो कल हमने बात की, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये होती है विद इन द टीम जो आपके साथ खेल रहे होते हैं कि आपको हर सिचुएशन में बॉडी लैंग्वेज और टेम्परामेंट का बहुत अच्छे से अंदाज़ा हो जाता है उस प्लेयर का। तो भाई प्रेशर सिचुएशंस में ये कैसे आके एग्जीक्यूट करेगा या उसको कैसे हैंडल करता है, और दैट इज़ द मेन रीज़न कि अगर आपको वो प्लेयर समझ आ जाए इस लिहाज से, तो आप फिर उस पर बैंक करते हैं और आप कोशिश करते हैं कि उससे मैक्सिमम आप यूटिलाइज करें, चाहे वो पाकिस्तान टीम हो या डोमेस्टिक की टीम हो, जहाँ पे भी वो आपके साथ खेल रहे हैं। अच्छा वहाब को हम यहाँ पे बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे, वहाब के पास बहुत कम टाइम मौजूद था लेकिन बहरहाल ही वाज हियर विद अस। थैंक यू वहाब एंड गुड लक फॉर द रेस्ट ऑफ द टूर्नामेंट। ऑफ कोर्स अभी तो टूर्नामेंट का आगाज हुआ है, वहाब विल कंटिन्यू प्लेइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। और इस वक्त तो जेसन रॉय काफ़ी ज़बरदस्त मूड में नज़र आ रहे हैं, अकील हुसैन के एक ओवर में एक छक्का और एक चौका उन्होंने मारा है। लाला वहाब ने अभी एक बात की कि जो कौमी टीम का कप्तान, उन्होंने कहा ना आप लोगों को भी जाननी चाहिए बात कि कौमी टीम का कप्तान जो है वो अपनी फ्रेंचाइज या टीम का कप्तान भी होना चाहिए। लाला होना चाहिए क्या, ये ज़रूरी है? ज़रूरी डिपेंड करता है कि वो लेता है कि नहीं लेता, ये उस पर भी डिपेंड करता है। लेकिन ये है कि मेरे ख्याल में अगर आप पाकिस्तान टीम के हो तो डेफिनेटली कोई भी फ्रेंचाइज जब आपको लेगी वो ये सोच के लेगी कि यार ये पाकिस्तान टीम को लीड कर रहा है तो वाई नॉट यहाँ पे भी टीम को लीड करे, और करना चाहिए। उससे आप ही को फायदा होगा, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और प्लेयर जिस तरह मिसबा ने बहुत अच्छी बात की कि आप प्लेयर्स लेते हो, प्लेयर्स का माइंड सेट पता चलता है कि कौन कितना बड़ा टीम मैन है कि नहीं है, और आप अगर मेरिट के ऊपर डिसीजन लेते हो, फिर आप ये नहीं देखते कि सिर्फ मेरी टीम से, जो मिसबा ने बात की है, अपोजिशन भी अगर खेल रही है उसमें भी अगर आपको ऐसा टैलेंट नजर आता है तो आपके पास ऑप्शन ज्यादा होते हैं, फिर आप उस हिसाब से मेरिट पर फैसला करते हो।